अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर कुकिंग हब। आज हम आपके लिए लाए हैं चाइनीज़ राइस और चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगी, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंग्रेडिएंट्स में हमें 3 आलू लेने हैं, 3 अंडे लेने हैं, बंद गोभी 1 कप लेना है, चिकन हमने बोनलेस ले लेना है 1/2 किलो, मटर हमने 1/2 कप लेने हैं, चाइनीज़ गाजर हमने 1 कप ले लेना है, उसके बाद शिमला मिर्च 1 कप और प्याज हमने 1 कटा हुआ ले लेना है। इसके बाद हमने तीनों अंडों को बाउल में डाल के अच्छी तरह बीट कर लेना है, ठीक है। फिर हमने पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है और उसको थोड़ी देर के लिए गर्म करना है। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसके अंदर हमने अंडे को डाल देना है और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है दोनों साइड से। जब दोनों तरफ से अंडा अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो आपने इसको अलग से प्लेट में निकाल के रख लेना है। इसके बाद आपने अंडे को फोक के साथ आपने छोटे छोटे पीसेस के अंदर अच्छी तरह कट कर लेना है। अब हमने कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल डाल देना है, उसको थोड़ी देर के लिए गर्म करना है। अब हमने गरम तेल के अंदर बोनलेस जो चिकन था हमारे पास, हमने उसको डाल देना है कढ़ाई में और इसको थोड़ी देर के लिए हमने अच्छी तरह फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और जब चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो अब आपने इसको प्लेट के अंदर सेपरेट अलग से निकाल लेना है। अब हमने सेम पैन के अंदर तमाम सब्जियां डालकर उसको फ्राई कर लेना है और कुछ देर के लिए ढक के इसको पकाना है। तीन से चार मिनट सब्जियों को पकाने के बाद हमने इसमें फ्राइड चिकन को ऐड कर देना है और इसको थोड़ी देर के लिए हिलाते रहना है। अब हमने इसके अंदर 2 टीस्पून काली मिर्च डालनी है और साथ में 2 टीस्पून चाइनीज़ साल्ट डाल देना है और इसको अच्छी तरह हिला लेना है। ले जी, हमारी सब्जियां और चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमने पतीले के अंदर 1/2 कप ऑयल डाल के इसको थोड़ी देर गर्म कर लेना है। हमारा गर्म हो जाए तो इसमें आपने स्लाइस्ड ऑनियन डाल के इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। जब प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इसके अंदर तमाम सब्जियां डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें।
अब हमने इसके अंदर 4 गिलास पानी डालने हैं, क्योंकि चावल हमारे 1 किलो हैं, तो हमने उस हिसाब के साथ हमने इसमें 4 गिलास पानी डाल लेने हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब पानी थोड़ा सा बॉयल होना शुरू हो जाए तो अब आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक डाल देना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और साथ ही हमने इसके अंदर 1 किलो चावल ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब चावलों का पानी रिड्यूस हो जाए तो उसके बाद आप इसके अंदर फ्राइड एग डालकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा दें। ये 10 से 15 मिनट के दम के बाद हमारे मज़ेदार से चाइनीज़ राइस, चाइनीज़ पुलाव भी आप इनको कह सकते हैं, तैयार हैं।